किसानों नौजवान साथियों, ये तो प्रोग्राम चल रहा है। जब कोई चीज फतेह होती है तो ये फतेह मारते हैं। चुप हो जाओ भाई। ये फतेह मार्च है और फतेह मार्च जब निकलता है, जब कोई चीज होती है, आपने एक साल से ज्यादा का आंदोलन किया और वहां से पंचों के द्वारा कुछ फैसले सरकार से हुए। हमने कहा कि फैसले के आधार पर हम समझौता मानने वाले लोग हैं। हम जो भी पंचों ने फैसला कर दिया वो हमने मान लिया, उसमें ठीक रहा। सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है, अभी वो पहुंचे और विभाग कह लगे कि आप गांव में जाओगे तो आप सोरम क्यों जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सर्व हमें क्या बता सोरम क्यों जा रहे हैं, हमें बता खास इस जगह का। और आप देखें कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर हम बच्चे गाजीपुर बॉर्डर रेखा दिल्ली में वो इन खाप पंचायत के भरोसे बैठे भाई। हम कोई अकेले थोड़ा वहां पे उन्हें माला पहना, एक आदमी बैठाया था, आदमी बैठे हमें बैठाया नहीं। खाप पंचायत जगहों पर अगर आप देखें उन्हें रोक रोक और कम उसे हला कर दिखा दो, हमारी जिंदगी को हराने की कोशिश कर रही थी ना। 28 तारीख को लगाया जा सकते भाई, वहाँ 148 लोग तो रहे थे, हमने सब भेज दिया बोलते भाई जाओ, यहाँ कुछ भी हो सके तुम जाओ, तुम देख लो सुरक्षित अपने घर की तरफ जाओ, तुम यहाँ जंग होगी रात को जबरदस्त। और हुई 5,000 के सामने दिया गया फिर जर्नलिस्ट बिल्कुल के साथ, वो यहाँ के भरोसे हुई मुजफ्फर। हम इसलिए पहले यहाँ आए, पूरा काम पंचायत वो हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, या पंजाब की हो, या उत्तराखंड की हो, उत्तराखंड में खाप पंचायत को खत पंचायत कहते हैं, खत बोलते हैं उनको, है उनका भी यही सिस्टम हुआ। आए रात को भी लोग हैं, ये चैनल वाले भी आए देखने आए ये कि क्या है मामला, आ जाओ भाई देख लो क्या है मामला। और अभी और आगे देखियो ये फतेह मार्च 24 घंटे का रहेगा, देख एकदम सुबह होगी। आगे भी ध्यान आ गई रोड़ा रोड़ा सा, जो यूथ जुड़ा है ना, जो युवा जुड़ा है ये जरूरी था जुड़वा। हमने कहा कि ट्रैक्टर चलाने में तो हम माहिर हैं, हमारे को ट्यूटर नहीं चलता, वो ट्यूटर इसने थाम लिया, अपने इसने पहले किसी दूसरे का थाम लिया था, अब का अपना थाम लिया, अब हम तीनों मोर्चों पर मजबूत हैं। ये देश का किसान अन्नदाता है, ये जवान दाता भी है, ये दोनों चीज देता है, ये पहरे के लिए जवान देता है और खाने के लिए अन्न देता है, ये दोनों चीज देता है, अन्नदाता भी है और जवान दाता भी है। ये सरकार कान खोल कर सुन ले, हम सारी चीजें सब चीजें फैसला करा उसको लागू कर लो। मतलब 70,000 मुकदमे कर दिए, एक साल हमने धरना क्या दिया, 70,000 मुकदमे ठोक दिए, जो कोई ट्रैक्टर लेकर चला गया देखो चल उसके खिलाफ। वो ट्रैक्टर वो है जो 10 साल पुराना है, कानून आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटा। हमने कहा कि मारा बहुत नहीं है 10 साल में टैक्स बदलने का, हम तो पुराना दुराना गई पंजाब से गई आसाम को, आसाम से गई हमें अपना नगद दे गए भाई, रुक जाओ क्या दिक्कत है। एक आधा क्रांतिकारी भाई शाम होली उसे भी पकड़ कर बैठा दो, उसके बिना नहीं काम नहीं चलता, वो भी फतेह में उसकी भी हिस्सेदारी है, आपको वही जाते हैं और तो अपना सोवे। तो भाई मामला ये है कि हम तो अपना 1.5-2 लाख का ट्रैक्टर ले उससे अपना 10-15 साल चला लिया, फिर अपना खरीद लिया नया किसी का वोट भी खरीद लेगा,
इसलिए मैं चारक नाम ट्रैक्टर आ गए थे दिल्ली में, उधर दिल्ली में कुछ चला कर दिखाए। ये ऐतिहासिक पंचायत स्थल है, मुख्यालय है, खाप पंचायत तो। जो उनसे लाल किले की बात करते हैं, उसी लाल किले पे 7,000 जवान जो खाप पंचायत चुके हैं, लाल किला बचाने के लिए शहीद हुए थे, वो नहीं दिखाई। ये खाप पंचायत को नदी थे, वहां पे 18,000 खाप पंचायत के मल योद्धा गए थे, कई कसम दर्ज नहीं मिलेगा। बंदा सिंह बहादुर जब नादेड़ से वहां पाए, गुरु गोविंद सिंह हरियाणा के होते हैं सोनीपत गांव से वहां पे गए और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, हम यहां से जा रहे हैं और हम किसी को भेजेंगे उसकी मदद करना। वे गए नादेड़ महाराष्ट्र में, वहां से बंदा सिंह बहादुर जो बाबा बंदा सिंह बहादुर है उनको भेजा, वो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि जा। उन्होंने कहा जब आप ही ने कुछ नहीं, मैं किला क्या कर लूंगा, फौज नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, वहां मिलेंगे कुछ तो बता का है हमने। वे गए नहरी गांव में, बंदा सिंह बहादुर रहे यहां 3 महीने। वे खास पंचायत के पास में आए, वे मुजफ्फरनगर में भी वे मेरठ में सब खाप पंचायत हो गए, 4,800 योद्धा उनको दिए थे यहां से खाप पंचायत में जब सरहंद फतेह हुई थी। तो हमारा जो कहते हैं जी सिख समाज तो अलग है नहीं, हमारा और गुरु का बहुत बढ़िया खाप पंचायत का संबंध आपस में थे। लेकिन 170-180 साल पहले 100 साल खाप पंचायत को मैं पहन रहा, 70 साल आजादी को होंगे, उससे पहले से अपना होगा था, फिर भूल चूक होगी, ये तो अब का मेल मिला फिलहाल ठीक, अब चलेगा बिल्कुल ठीक, अब ठीक चलेगा। सरकार से ये है कि हमारा खंडवा जुड़ गया और दिल्ली के 400 किलोमीटर के चारों तरफ का जुड़ गया, यही पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा। पूरे दुनिया के आज ट्रैक्टर की बात करते हैं, ट्रैक्टर तो पूरे दुनिया में चलता है, जब भी मार्च को निकलता है तो ट्रैक्टर से निकालते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन हमने कहा कि जो समझौता होगा उसको लागू करो, आगे की बात आगे देखते हैं, करेंगे आगे की बात क्या होगी क्या नहीं करेंगे उसको विचार करेंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया, बहुत खर्चा इस आंदोलन में हुआ, बहुत खर्चा हुआ, एक बार गाड़ी चले जाओ तो 2,500-4,000 रुपए लगते हैं, मतलब एक का गांव से 1,500-1,700 बार गाड़ियां न गई, बहुत खर्चा बढ़ता है। तो करेंगे आगे की भी, अभी आज ये फतेह मार्च है, पूरे हिंदुस्तान भर में मना जाना, और यहां नहीं बहुत देशों में जो अपने संगठन वहां पर थे उसको मना रहे हैं। तो आप लोग इस टाइम तक यहां पर हो, क्योंकि आज पूरी रात का जागरण रहे, कोई नहीं सो रहा, ना उस दिन सोए थे और ना आज सो रहे, उस दिन भी कष्ट था, आज भी हम अपना पूर्वा कट्ठा हो रहा, कल फिर हम फिर निकल जाएंगे दिल्ली से, फिर हैदराबाद और उधर के प्रोग्राम में, फिर 20-21 तारीख के बाद फिर आएंगे। एमएसपी का बड़ा मामला भी देश में है, एमएसपी मिल जाएगी तो कुछ एक कुछ राहत सी होनी शुरू हो जाएगी, बड़ा मामला है। फसलों में नुकसान नहीं है, फसल आप पूरी मेहनत करके पैदा करते हो, फसलों में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सरकारों की नियत में कमी है, यह आज देश का किसान समझेगा, देश का नौजवान भी समझेगा। संघर्ष करो, गड़बड़ जो है हमारे खेत में नहीं है, गड़बड़ हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में गड़बड़ है, यह कलम हमारा हाल ठीक है, देश का किसान
की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये था पंचायत का मुकाबले, तैयार रहना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तैयार रहना। मेरे भाइयों, ये कार कोई न सुनना दिल्ली, एक साल की तैयारी हुई है, जंग हमदा पारी है, आने वाले टाइम में जंग होगी, एक साल की तैयारी हुई है, जंग के लिए तैयार रहना, इसलिए यहाँ पर है। आज यहाँ पे इसलिए बताने आए, ये खाप पंचायत का मुकाबले हरियाणा, यहाँ पे आप मजबूत रहो तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जाएगा आप पूरे देश में जाएंगे, सरकार के पास में चुनाव आचार संहिता का टाइम है, आप देखो बैठे चुनाव आचार संहिता का अपना काम करे सरकार, बैठे आप अपने खेती बाड़ी पर ध्यान दो, आपस के झगड़ों पर ध्यान दो, नशे पत्नी पर ध्यान दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सौरभ। आज बैठ जाओ, बैठ जाओ। टिकेट साहब का जन्मदिन है, बड़े टिकेट साहब का धावत का जन्मदिन है, तो अभी राकेश टिकेट जी उनका केक काट रहे और मीडिया के वाले लोग भाई उधर ही रहे, आगे यही से बता देने ये मुझे दे रहे। चलो भेजवा।